अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे किड्स लंच बॉक्स आइडिया शेयर करूँगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कैटरपिलर तैयार करेंगे और एक वुडन स्टिक लेंगे, उसमें 5 से 6 दाने जो है अंगूर के रखेंगे। कुछ हम छोटे रखेंगे और कुछ बड़े रखेंगे। बड़े वाले जो हैं वो आगे की तरफ रखेंगे और जो छोटे वाले दाने हैं वो हम पीछे काट देंगे। और ये देखें, कैटरपिलर हमारा रेडी हो चुका है। और छोटे छोटे बिल्कुल छोटे से 2 लौंग हम लेंगे, वो इसकी आंखों में लगा देंगे। और ये देखिए, जबरदस्त कैटरपिलर तैयार हो चुका है। इसे हम साइड पे करेंगे। और एक मेरे पास कार शेप में कटर था, मैंने नाशपाती को इस तरह कार शेप में और हार्ट शेप में काट लिए। आप कोई सा भी कटर यूज कर सकते हैं और कोई सा भी फ्रूट आप ले सकते हैं। एक मेरे पास फ्लावर शेप में कटर है और उसको मैंने चीज के स्लाइस को इस तरह फ्लावर शेप में काट लिया था। और ऊपर मैंने चीज को भी गोल छोटा सा और सलामी को भी गोल छोटा सा काट लिया था और इस तरह ये फ्लावर की शेप में आ गया। एक उबले हुए अंडे से हम बेबी चीक तैयार करेंगे। नीचे से हम इसकी कटिंग कर देंगे ताकि ये इस तरह सीधा खड़ा हो जाए। एक वुडन स्टिक लेंगे और इस तरह 2 सुराख करेंगे। लॉन्ग लेंगे छोटे साइज के, वो इस तरह जिधर हमने सुराख किए हैं उसकी आंखें बना लेंगे। और एक तेज छुरी लेंगे, उसकी नोक से इस तरह हम हल्का सा कट लगाएंगे। और चोंच की हम ट्रायंगल कटिंग करेंगे और इस तरह हम जो हमने कट लगाया उसमें इसको डाल देंगे। आप चाहे कैरेट ले लें, चाहे आप ऊपर से थोड़ा सा हार्ड सा टमाटर जो होता है उसको ट्रायंगल में काट लें, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ले लें। अब हम इसका सैंडविच तैयार कर लेंगे। एक ब्राउन ब्रेड लेंगे, उसको गोलाई में मैंने काट लिया था छोटे छोटे, उसके कटर से पीसेस कर लिए हैं। और ब्राउन ब्रेड के ऊपर हम सलामी इनका एक पीस रखेंगे और फिर हम एक खीरा रखेंगे ऊपर। आप चाहें तो खीरे की स्किन हटा दें। आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं और ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह हम एक ब्राउन ब्रेड रखेंगे, एक सलामी का पीस रखेंगे और एक खीरे का। और इस तरह हम इसको तैयार कर लेंगे और एक फूड पिक लेंगे और इसमें इंसर्ट कर लेंगे। और ये देखिए, जबरदस्त सैंडविच रेडी हो चुका है। अब हम हेजल नट डबल स्प्रेड इस पे लगा देंगे। अगर आपके पास डबल हेजल नट स्प्रेड नहीं है तो आप इसमें नुटेला भी लगा सकते हैं। इस तरह लगाते जाएंगे, आपने जितना बड़ा रखना है उतना रख सकते हैं। मैं सिर्फ 4 पीसेस का बना रही हूँ। और इस तरह एक फूड पिक इंसर्ट करेंगे और ये भी रेडी हो चुका है। अब हम 2 ब्रेड के स्लाइस लेंगे और उनके मैंने किनारे रिमूव कर लिए थे। और इस तरह जिस तरह वीडियो में देख लें कटिंग करेंगे। आइसबर्ग रखेंगे, सलामी की कटिंग करेंगे। वीडियो मैंने फास्ट पे की हुई है ताकि आप एक एक स्टेप अच्छी तरह से देख लें, कोई भी आपसे मिस ना हो। और इस तरह हम चीज का एक स्लाइस लेंगे इस तरह, बिल्कुल हम जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं साइज देखेंगे कि कितना साइज ब्रेड का है और उस हिसाब से हम इसको पेंसिल की शेप देंगे। इस तरह इसकी आगे से नोक बना लेंगे और एक छोटा सा किसी भी
बॉटल का कैप लेंगे और उससे हम नीचे से इस तरह कटिंग कर लेंगे और जो साइडों पे आपको नज़र आ रही है वो भी ब्रेड हम इस तरह रिमूव कर देंगे। अब ये दोबारा नीचे वाले को भी रिमूव करेंगे और एक चीज़ का स्लाइस लेंगे और राउंड शेप में हम इस तरह छोटे छोटे चीज़ के स्लाइस कट कर लेंगे इस तरह ऊपर रखने के लिए। और जेल फूड कलर लेंगे ब्लैक कलर का और छोटा सा टिश्यू का पीस लेंगे और इस तरह हम इसकी नोक बना लेंगे पेंसिल की और पीछे आप रेजर तैयार करेंगे पेंसिल का, वो भी बिल्कुल हम पहले साइज देखेंगे कि ब्रेड का कितना साइज है और उसी तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ज़बरदस्त पेंसिल सैंडविच भी रेडी हो चुका है, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आप बच्चों को बना के दें, बच्चे बहुत खुश होंगे। बॉइल्ड बेबी चिक भी हमारा रेडी हो चुका है, कैटरपिलर भी हमने तैयार कर लिया है और ये हमारा नुटेला और सलामी वाला सैंडविच भी रेडी है और चीज़ के स्लाइसेस भी रेडी हैं। आप इसको जिस तरह के लंच बॉक्स में अरेंज करना चाहें उस तरह आप कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। आप ये इस तरह का भी लंच बॉक्स ले सकते हैं, साइडों पे आप छोटी चीज़ें रख सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह का लंच बॉक्स ले लें और इनकी साइडों पे आप कुछ जो आपने रखना है वो उस तरह रख लें या आप इस तरह का ले लें और कोई चिप्स और जूस वगैरह या योगर्ट वगैरह वो भी आप साइड पे रख सकते हैं। साइड पे आप एक छोटा सा रख लें और चाहे तो आप कुछ भी ना रखें, कोई भी बॉक्स ना रखें, हाली इस तरह भी यार आप रख सकते हैं। साइडों पे भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर रख सकते हैं, काफ़ी इसमें जगह होती है। आपके पास जिस तरह के भी लंच बॉक्स हैं आप उस तरह कर सकते हैं। मैं ये बड़ा सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए बड़ा वाला बॉक्स ले रही हूँ और इसके बीच में मैं आपको अरेंज करके बताऊँगी। इस तरह हम इसको रख देंगे, चीज़ भी बच्चों को काफ़ी पसंद होती है, आप वो कटिंग करके किसी भी शेप में उस तरह आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा और छोटे बॉक्स में आप चिप्स और कुकीज़ वगैरह भी दे सकते हैं, जूस वगैरह भी आप रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और नीचे दिए गए घंटे के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको ढेर खुशियों से नवाजे, अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।